वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च भाई रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? तो आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या आप कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू रेफर अ नाउन, या आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो मैंने आपको नाउन के पार्ट में मैंने बताया था कि जिसका नाम है दुनिया की सारी चीजें नाउन है, और जिसका नाम है दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि ताकि आप कभी जिंदगी में आप दोबारा भूल ना सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस वस्तु का या जिस चीज का आपके दिमाग में इमेज छपे तो वो दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका माइंड में इमेज न बने वो दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आप व्हाट बोल के देखिए, वेयर बोल के देखिए, दिमाग में इमेज नहीं छपेगा, लेकिन आप पेन बोलेंगे तो आपके दिमाग में इमेज छप जाएगा। अभी आपको कार मैं कहूं तो कार देखिए नाउन है, तो कार तुरंत दिमाग में इमेज में आ जाता है, यू काउंट कि मेरा दैट, आप उस पर कल्पना नहीं कर सकते कि कितने जल्दी आपका इमेज जो है कि आपके माइंड में छप गया, आप सोच नहीं सकते, यू कांट इमेजिन। या आप कह सकते हैं कि मतलब कि जिसका इमेज माइंड में बने दुनिया की सारी चीज नाउन रहेगा, और जिस चीज का इमेज न बने माइंड में वो दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। जैसे देखिए अभी दिस बोलिए, दैट बोलिए, दीज बोलिए, दोज बोलिए, देखिए इन सबका दिमाग में माइंड में जो है कि आपके इमेज नहीं छपा, ये क्या हमारा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका इमेज बने माइंड में दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिन चीजों का इमेज माइंड में न बने वो ब्रह्मांड की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोनाउन थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मतलब आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं, राइट। तो देखिए आप लोग डालिए हेडिंग प्रोनाउन, प्रोनाउन, राइट, प्रोनाउन। तो प्रोमिस क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? इंस्टीड ऑफ, क्या हो जाएगा? इंस्टीड ऑफ, राइट, इंस्टीड ऑफ नाउन, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि नाउन के बदले में क्या हो जाएगा? नाउन के बदले में, राइट। लेकिन जो है कि मुझे यहां पे अदला बदली नहीं पढ़ाना, पहले ये चीज जानते रहे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं कह के आ रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। तो आप लोग नोट में क्या लिखेंगे कि द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज अब्सर्ड एंड लीड्स सम एरर्स। दैट मींस आप कह सकते हैं कि जब किसी नाउन, जब किसी जो है कि सेंटेंस में बार बार नाउन का प्रयोग किया जाए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, बकवास हो जाता है, बद्धा हो जाता है। इसलिए जो है कि हमारे प्रोनाउन का जन्म हुआ। मैंने क्या बोला कि द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज अब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियस एरर्स। द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज अब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियस एरर्स, राइट। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग डालिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्या डालेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्या डालिए आप लोग? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, राइट, प्रोनाउन के प्रकार। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पहला देखिए क्या आप लिखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, क्या लिखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, राइट। दूसरा आपको क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन, क्या लिखेंगे? पजेसिव प्रोनाउन, राइट। आप थर्ड क्या लिखेंगे आप लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा आप लोग क्या लिख देंगे आप लोग? इम्फैटिक प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन, राइट, इम्फैटिक प्रोनाउन। आपका पांचवा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। आपका छठवां कौन सा हो जाएगा? आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। सातवां आपका क्या हो जाएगा इनडिफिनिट प्रोनाउन, क्या हो जाएगा इनडिफिनिट, INDEFINITE इनडिफिनिट प्रोनाउन। आपका आठवां कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। नौवां आप लोग देखिए क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपका दसवां क्या हो जाएगा देखिए एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। आपके ग्यारहवां क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट। तो आप लोग जो है कि नोट डाउन के लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग का हो गया होगा, अब मैं आगे चलता हूं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए प्रोनाउन के चैप्टर में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, राइट। यहां देखिए कौन सा हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, राइट पर्सनल प्रोनाउन। तो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, तो आप लोग लिखिए आई वी यू ही सी इट एंड दे, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, आई वी यू ही सी इट एंड दे, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, क्या डालेंगे दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन में जो कॉन्सेप्ट है क्या लिखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट आप लिखिए कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस द नॉर्मल ऑर्डर इज, मैंने क्या बोला भैया कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट, if three pronouns of different person are used together in a sentence, if three pronouns of different person are used together in a sentence, then the normal structure is यहां देखिए क्या हो जाएगा second person PERSON plus third person, क्या हो जाएगा आपका third person प्लस फर्स्ट पर्सन राइट, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं धारा 231 यानी आर्टिकल 231 यानी मैंने क्या बोला कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, the normal structure is second person plus third person plus first person article 231। अब article 231 का concept क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको person में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको मालूम है कि I V क्या हो जाएगा, I और V हमारा कौन सा person है first person, कौन सा person है first person, right। और यू कौन सा पर्सन आपका सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन, राइट। और आपका क्या हो जाएगा ही सी इट एंड दे, ये कौन सा पर्सन हो जाएगा थर्ड पर्सन, क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो आप समझिए कॉन्सेप्ट को, अगर हमारा देखिए यहाँ पे दो लिखा है तो दो के लिए आप देखिए ये यू सेकेंड पर्सन है तो आप देखिए यू के लिए आप दो लिख सकते हैं कि नहीं, राइट। अनाम देखिए तीन मतलब क्या हो जाएगा, तीन मतलब क्या है थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन देखिए ही सी इट एंड दे, ये देखिए थर्ड पर्सन है
तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, राइट। और आई भी हमारा देखिए क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो इसके लिए एक, एक लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा धारा 231 हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोलाया, सॉरी मैंने क्या बताया कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन आर्टिकल 231 यानी कि धारा 231, राइट। यानी कि हम नॉर्मल सेंस में जो है कि हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, राइट। तो मैं आप कॉमन ईरर्स देता हूं, आप लोग जो है कि पहचान कर बताएंगे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग, राइट। देखिए जैसे मैं कहूं देखिए पहला आप लोग पहले हेडिंग डालिए कॉमन ईरर्स इन द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, क्या डालेंगे, कॉमन ईरर्स इन द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए भैया पहला देखिए मैं कहूं यहां पे आपका आई यू एंड ही हैव गोइंग, सॉरी चल नहीं रहा क्यों, आई यू एंड ही हैव गॉन टू द लंडन, क्या हो जाएगा, गॉन टू द लंडन या गॉन टू लंडन कर दीजिए, गॉन टू लंडन, राइट। यहां देखिए आई यू एंड ही हैव गॉन टू लंडन, राइट। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा आपका यू ही एंड आई हैव गॉन टू लंडन, राइट। थर्ड देखिए क्या है कि यू ही एंड आई हैड गॉन टू लंडन, राइट। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आपका क्या हो जाएगा ही यू एंड आई हैव गॉन टू लंडन, राइट, गॉन टू लंडन। अब यहां पर देखिए अब इसमें से आप देखकर बताइए कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैं कॉन्सेप्ट दे दूं, मैंने आपको बताया था कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस द स्ट्रक्चर इज, दैट मींस नॉर्मल स्ट्रक्चर इज क्या हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन, क्या मैंने बोला था सेकेंड पर्सन, क्या हो जाएगा पीई आर यस वन सेकेंड पर्सन, और प्लस क्या हो जाएगा बच्ची थर्ड पर्सन, और प्लस क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, कौन सा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो इन सबको मिलाकर हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल, इन दैट केस आर्टिकल 231 यानी कि धारा 231 का प्रयोग है, राइट। आप देखिए इसी के अनुसार आपको राइट और रॉन्ग करना है। तो आप यहां पे देखिए नोटिस कीजिए कि देखिए यहां पे मैंने क्या बोला कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, देखिए ए प्रोनाउन क्या है फर्स्ट पर्सन है, ये देखिए सेकंड पर्सन, ये देखिए थर्ड पर्सन है, तो देखिए तीनों अलग अलग प्रोनाउंस है कि नहीं। मैंने क्या बोला था इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, देखिए यहाँ पे पहला देखिए फर्स्ट पर्सन है, यहाँ देखिए सेकंड पर्सन है, ये देखिए ही थर्ड पर्सन है, अलग अलग पर्सन है। इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड, देखिए प्रयोग किए गए इन अ सेंटेंस, इस सेंटेंस में द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन धारा 231, दैट मींस क्या हो जाएगा सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, इन सबको मिलाकर हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल, इन दैट केस धारा 231 यानी कि आर्टिकल 231 का प्रयोग होगा। तो आप यहां देखिए आई, यहां देखिए यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब यहां देखिए यू क्या है आपका, देखिए सेकेंड पर्सन है, मिला ही नहीं, देखिए क्या है यहां पे ही देखिए थर्ड पर्सन है, मिल रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, इन सबको मिलाकर हो जाता है प्लूरल, देखिए यू ही एंड आई मिलाकर हो गया प्लूरल।
और प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल, तो देखिए है प्लूरल लिया है इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और यहां देखिए यहाँ पे ही यू, देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्या आना चाहिए यहाँ पे सेकंड पर्सन, यहाँ पे ही दे दिया है तो ए तो यानी कि चौथा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा राइट। तीसरा देखिए क्या हो यहाँ देखिए यू पर यू है नहीं सेकंड पर्सन देखिए मिल रहा है, यहाँ पे ही देखिए थर्ड पर्सन है और देखिए यहाँ पे आई भी फर्स्ट पर्सन है, इन सबको मिलाकर हो जाता है प्लूरल प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेगा प्लूरल, लेकिन यहाँ वर्ब क्या लिया सिंगुलर इसलिए क्या होगा हमारा रॉन्ग होगा राइट। तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। तो आप यहां देखिए आप लोग लिख सकते हैं, यहां देखिए आप लोग लिख सकते हैं, देखिए जो हमारा रूल क्या रहेगा रूल आर यूली रूल राइट। तो मैं लिख दूं दो दो प्लस तीन प्लस वन ए क्या हो जाएगा राइट होगा राइट। अगर देखिए मैं अगर मैं देखिए देखिए क्लॉक वाइज चल रहा हूँ सीधे चल रहा हूँ, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए रूल हमारा क्या देखिए टू प्लस वन राइट, और यहाँ क्या हो जाएगा टू प्लस थ्री, देखिए क्या हो जाएगा टू प्लस थ्री राइट, यानी क्या हो जाएगा टू प्लस और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा और यहाँ पे थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन। अगर ऐसे चलेगा जान लीजिए तो ए हमारा क्या यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी कि धारा इक्कीस धारा 23 धारा 31 यानी कि 21 23 और यहाँ 31 ये हमारा क्या हो जाएगा राइट रहेगा। लेकिन अगर ऐसा रहे कॉन्सेप्ट अगर ऐसा कर देते हैं कि 1 प्लस देखिए 1 प्लस 2 देखिए उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा राइट, और यहाँ पे 1 प्लस 3 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर रॉन्ग माना जाएगा, क्या हो जाएगा रॉन्ग माना जाएगा। मैंने देखिए क्या बोला कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस राइट द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन हो जाता है इन सबको मिलाकर प्लूरल प्लस आने वाला वर्ब भी लेता है प्लूरल धारा 231। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और चाहे तो स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे दे रहा हूँ साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आराम से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग का हो गया होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलूंगा और मैं अगला मैं जो कि आपको कॉमन एरर्स दे रहा हूँ आप पहचान कर आइडेंटिफाई करके बताइए। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सेकंड दूं, वो तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, कॉन्सेप्ट सेकंड देखिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा सेकंड राइट। तो आप कॉन्सेप्ट सेकंड में लिख लीजिए कि इफ थ्री प्रोनाउंस क्या लिखेंगे, इफ थ्री प्रोनाउंस राइट क्या लिखेंगे, इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस मैंने क्या बोला इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टूगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस क्राइम crime राइट गिल्ट G-U-I-L-T, guilt, right? O-R, R-Flaw, F-L-A-W, flaw, चाहे आप बहुत चीज लिख सकते हैं, क्राइम हो गया, गिल्ट हो गया, अब यहां आप क्या लिख देंगे, स्टील, चोरी, स्टील, राइट, डिस्पॉइल, मिस डकैती डालना, राइट, डिस्पॉइल हो गया, ठीक, यहां आप लिख दे, कन्फेस, R-Flaw, या फिर L-A-W, फ्लॉ मीन्स चारित्रिक दोष राइट। तो क्या हो जाएगा द स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर इज कौन सा पर्सन हो जाएगा फर्स्ट पर्सन
प्लस सेकेंड पर्सन प्लस आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। कौन सा हो जाएगा, थर्ड पर्सन, राइट, पी आर एस ओ एन, थर्ड पर्सन। तो आर्टिकल 123 यानी कि धारा 123, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस क्राइम, गिल्ट, स्टील, डिस्पॉइल, कन्फेस और फ्ला, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, धारा 123 यानी आर्टिकल 123। तो आप लोग कॉमन इरर्स में दे रहा हूं, इसे मैं इरेज कर दूं, बाद में स्ट्रक्चर में लिख दूंगा, राइट। तब आप लोग जो है कि राइट और रॉन्ग करके बताइएगा, देखिए क्या हो जाएगा। पहला देखिए कॉमन इरर्स में, जैसे देखिए क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही हैज डिस्पॉइल्ड, despoiled, 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 ठीक है, आई यू एंड ही हैज डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, इन द स्विस बैंक, राइट। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही, आई यू, यहां पे आई यू, यहां पे कर दीजिए यू कर दीजिए, राइट, यहां पे यू यू ही एंड आई हैव डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, इन द स्विस बैंक, राइट। अगला देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही हैव डिस्पॉइल्ड, डी ई एस पी ओ आई एल ई डी, डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, क्या हो जाएगा, इन द स्विस बैंक, राइट। अगला देखिए लास्ट, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही, यहां पे लिख दीजिए, यू से लिखिए, यू ही एंड, यू ही एंड आई हैज डिस्पॉइल्ड, डी ई एस पी ओ आई एल ई डी, डिस्पॉइल्ड, क्या हो जाएगा, डिस्पॉइल्ड, डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, इन द स्विस बैंक, राइट। यहां देखिए मैंने चार ऑप्शन दिया कि आई यू एंड ही हैज डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, राइट, यानी कि मैं, तुम और वह जो है कि स्विस बैंक में जो कि डकैती डाला है। अब देखिए यू ही एंड आई हैव डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, यहां पे आई यू एंड ही हैव डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, यहां देखिए यू ही एंड आई हैज डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, क्या स्ट्रक्चर था कि फर्स्ट पर्सन, राइट, पी ई आर एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, इन सबको मिलाकर हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल। इन दैट केस आर्टिकल 123 यानी कि धारा 123, क्या हो जाएगा, धारा 123, राइट। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस क्राइम, गिल्ट, कन्फेस, राइट, डिस्पॉइल, स्टील और फ्ला, द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, इन तीनों को मिलाकर हो जाता है प्लूरल, प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल। इन दैट केस धारा 123 यानी कि धारा जो है कि 123 का प्रयोग होगा, आर्टिकल 123 का प्रयोग होगा, राइट। तब यहां देखिए आप देखिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप राइट और रॉन्ग कीजिए कि कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा, आप लोग देखकर बताइए। तो
तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट और दे दूं ताकि आपको समझ में आए। तो आप लोग लिख सकते हैं देखिए कि यहाँ पे 123 यानी कि 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 और 1 प्लस 3 अगर हम ऐसे चलेंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, रूल राइट रहेगा। लेकिन यदि हम ऐसे चलते हैं कि 3 प्लस यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 2 प्लस 1 और 3 प्लस 1 ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग माना जाएगा, राइट। यानी हम यहाँ पे देख लीजिए ऐसे भी मिलान कर दीजिए 123 है ना, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे यानी आप कह सकते हैं देखिए यानी कि 12 और 23 और यहाँ पे 13 ये हमारा क्या हो जाएगा, रूल राइट रहेगा। लेकिन अगर आप और कोई अन्य चीज का प्रयोग करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा हमारा राइट, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही है डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, राइट। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हैज है, यहाँ पे देखिए इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, देखिए यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन अलग अलग है नहीं, राइट, आर यूज, देखिए प्रयोग किए गए हैं इन अ सेंटेंस, इस सेंटेंस में। अब यहां देखिए द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन और इन तीनों मिलाकर हो जाता है प्लूरल, आने वाला वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल। इसलिए हमारा देखिए क्या हो जाएगा, पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा, पहला वाला क्या है, रॉन्ग, राइट। देखिए यहाँ भैया यू ही एंड आई, राइट। अब ये देखिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, ये देखिए इसमें धारा 231, तो नॉर्मल सेंस में जो है, नॉर्मल सेंस में जो कि धारा 231 का प्रयोग होगा, बट जो है कि अगर यदि कोई उसमें कोई अपराध हो, कोई क्राइम हो, कोई चोरी हो, कोई बेमानी हो, कोई डकैती हो, इन सबके केस में धारा 123 लगता है। तो हमारा देखिए यू ही एंड आई हैव डिस्पॉइल्ड इन द स्विस बैंक, ये रॉन्ग है। यहाँ देखिए आई देखिए फर्स्ट पर्सन, यू देखिए सेकेंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन, इन सबको मिलाकर हो जाता है प्लूरल और आने वाला वर्ब भी क्या लिए, प्लूरल। इसलिए हमारा तीसरा राइट और बाकी चौथा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा राइट है बाकी चौथा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे चलूं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को हो गया होगा, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया, उस कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट में अंतर, मैंने क्या बोला कि 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस क्राइम गिल्ट कन्फेस डिस्पॉइल इसके बाद आप स्टील और फ्ला द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन धारा 123, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, राइट। अब हम प्रोनाउन के दूसरे पार्ट मिलते हैं।